नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब मित्रों, मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन मलिक स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने मन पसंदीदा चैनल वी स्टॉक पर, जो कि कहीं और नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है यूट्यूब पर। जी हाँ, और हमारे चैनल को आपने इतने कम समय में इतना ज्यादा प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स की, टोरंटो के वीडियो ट्यूटोरियल्स की जो है हिंदी श्रृंखला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पे पहुंचना है तो वो है बहुत ही आसान। करना क्या होगा? करना ये होगा कि आप हमारे तक पहुंच सकते हैं अलग अलग माध्यमों से। जी हाँ, हमारे चैनल का YouTube पर डायरेक्ट URL एड्रेस है youtube.com/user/vstoken। इसके अलावा आप हमको, यदि आप पहुंचना चाहते हैं हमारे तक डायरेक्ट, तो दूसरा माध्यम क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, एक देखिए, हम नई विंडो खोल रहे हैं, youtube.com खोल लिया मैंने। इसके सर्च बॉक्स में जाके आपने सिर्फ टाइप करना है WESTOCK VSTOCK और जस्ट सर्च करना है। जैसे ही आपका सर्च कंप्लीट होगा, VSTOCK का लिंक आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ, जैसे आप इसके लिंक्स पे जाते हैं, आपके सामने जो है जो वीडियोस अभी तक हमने इस पे डाले हैं अपने VSTOCK चैनल पर, ये सब आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, अगर आप हमारे तक पहुंचना चाहते हैं, यहाँ पे मैं गूगल का क्रोम जो है ब्राउजर यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि आप गूगल का क्रोम ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप कोई और ब्राउजर भी यूज कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गूगल खोलना है। यहाँ google.co.in ओपन कीजिए, यहाँ पर भी आपको सिर्फ टाइप करना है VSTOCK WESTOCK। ओ, और देखिए यहां पे दिखा रहा है ऑल मैप्स न्यूज इमेजेस एंड वीडियोस। आपको क्या करना है? वीडियोस पे जाना है। वीडियोस पे जाते ही सबसे पहले VSTOCK यूट्यूब और ये जो चैनल का जो डायरेक्ट URL एड्रेस है वो भी यहां पे शो कर रहा है। आप जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और आप पहुंच जाएंगे हमारे चैनल पर डायरेक्ट। ये तो हुआ कि आप हमारे चैनल तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस तरीके से पहुंच सकते हैं। और अब जो मैंने आपको बात बताई वो ये कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं कोरल ड्रो की बेसिक हिंदी ट्यूटोरियल्स की श्रृंखला। जी हाँ, इससे पहले मैंने जो आपको ट्यूटोरियल प्रेजेंट किया था वो था कि कोरल ड्रो आखिर जो है वो है क्या और इसको यूज क्यों किया जाता है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन थी, इंट्रोडक्शन कोरल ड्रो की, इंट्रोडक्शन थी ग्राफिक्स की कि किस तरह के जो ग्राफिक्स है वो कोरल ड्रो में क्रिएट किए जाते हैं। और इससे हमको ये भी क्लियर हुआ कि आखिर कोरल ड्रो जैसे सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो खैर ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन कि ऐसा क्यों हुआ, पर कोरल ड्रो सॉफ्टवेयर को भी तो सीखना जरूरी है ना, क्योंकि आखिरकार हमको जो भी अपने काम को, कार्य को, वर्क को अंजाम देना है वो देना है कोरल में, कोरल ड्रो में। देखिए, कोरल ड्रो जो है फ्रेश इंस्टॉलेशन के बाद अगर हम उसको रन करते हैं तो कहां से रन होगा? देखिए, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो जो है स्टार्ट मेन्यू में, ऑल प्रोग्राम्स में उसका लिंक आपको नजर आता है। कोरल ड्रो देखिए X7 17% क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 7 पे, और चूंकि मैंने इसका पहले ही यहाँ पे जो है ये शॉर्टकट जो है टास्क बार पे क्रिएट कर रखा है। तो इसके अलावा अगर आप इसको राइट क्लिक करके जो है चाहे तो पिन टू स्टार्ट मेन्यू, यानी कि स्टार्ट मेन्यू में आपका देखिए ये यहाँ पर आ गया कोरल ड्रो का ये वर्जन, कोरल ड्रो का ये लिंक, कोरल ड्रो X7 64-bit एडिशन जो कि मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और अब जो कोरल ड्रो है इसको रन कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ पे मैंने पहले ही इसका जो है जो शॉर्टकट है अपने टास्क बार पर कोरल ड्रो का पहले ही बना के रखा हुआ है, पहले ही यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। अब इसको रन करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आपका ये जो कोरल ड्रो जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट डन, यानी कि ऑलमोस्ट डन हो चुका है इसका इंटरफेस, अब आपके सामने आने को तैयार है कोरल ड्रो
17। और फर्स्ट इंस्टॉलेशन के बाद जब हम इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये देखिए ओपन हो गया है और हर सॉफ्टवेयर की तरह यहाँ पर सबसे ऊपर इसकी CorelDRAW X7 देखिए ये चलाया जाएगा टाइटल बार। यहाँ ये है इसका CorelDRAW की जो विंडो है इसका टाइटल बार। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे सभी प्रोग्राम्स की जो इंफॉर्मेशन है ये यहाँ पे इसके टाइटल बार में दिखाई जाती है। इसके नीचे है फाइल टूल्स ये क्या है आखिर देखिए ये है मेन्यू बार। इसके नीचे जो है यहाँ पे है ये स्टैंडर्ड बार स्टैंडर्ड टूल बार कह सकते हैं इसके इसको नीचे इसके है प्रॉपर्टी बार साइड में ये जो है टूल्स है। खैर इन चीजों पे पहुंचने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर ये वेलकम स्क्रीन क्या है। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये कोरल का जो है लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको या गेट स्टार्टेड वर्कस्पेस व्हाट्स न्यू नीड हेल्प गैलरी अपडेट्स कोरल ड्रॉ एटसेट्रा एटसेट्रा। जी हाँ देखिए गेट स्टार्टेड में ये आपको दिखा रहा है न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि नया डॉक्यूमेंट आपके लिए अवेलेबल होगा। न्यू फ्रॉम टेम्पलेट जी हाँ कोरल ड्रॉ ने अपने टेम्पलेट्स बना रखे हैं जो कि इसी सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड आते हैं। आप चाहें तो उनको भी लेके काम अपना शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन रिसेंट में देखिए ओपन रिसेंट की भी लिस्ट है जिसमें ये टैग स्मार्ट फील्ड जो कि भी मैंने लास्ट ट्यूटोरियल अपलोड किया था उसका है ये बिजनेस कार्ड वगैरह 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 और भी इसके अलावा जो है ये काफ़ी चीज़ें जो है जो मैंने बनाई है वो सब कुछ जो है इसमें आपको जो है दिखा रहा है। ये जो लिस्ट है वो है ओपन रिसेंट यानी कि वो जो कि इस सॉफ्टवेयर में रिसेंटली ओपन किए गए थे या फिर जिस पे काम किया गया था। जी हाँ देखिए यहाँ पे ये वर्क स्पेस दिखा रहा है लाइट क्लासिक डिफॉल्ट जैसा भी आपको वर्क स्पेस चाहिए काम करने के लिए वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो है डिफॉल्ट है सिलेक्टेड तो हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। व्हाट्स न्यू में आप देख सकते हैं कि कोरल ड्रॉ ने जो है अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या इस वर्जन में कोरल ड्रॉ के 17 वर्जन में क्या क्या नया कुछ दिया है वो सब कुछ वेलकम स्क्रीन नेविगेशन वेलकम स्क्रीन वर्क स्पेस सिलेक्शन वर्क स्पेसिस लाइट वर्क स्पेसिस यानी कि ये सारी जो डिटेल है अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये सब कुछ जो है यहाँ पे कोरल ड्रॉ ने लिखी हुई है पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हम है ना। जी हाँ वी स्ट्रोक में हम आपकी हेल्प के लिए तैयार है। खैर आपके सामने जब जब आप ये सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे आपके सामने ये जो वेलकम स्क्रीन है वो आके खड़ी होगी आपके सामने आएगी बिकॉज हमने ऐसा करने के लिए इसको कहा है यानी कि ये आपके सामने आएगी बिकॉज क्योंकि ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च ये जो चेकबॉक्स है ये सिलेक्ट है। यदि आप चाहते हैं कि हर बार जब आप इसको ओपन करें तो आपके सामने ये वेलकम स्क्रीन आए तो आपको करना क्या है इसको चेक ही रहने देना है इसको अनचेक नहीं करना है। देखिए ये जो वेलकम स्क्रीन का जो डायलॉग बॉक्स है ये जो वेलकम स्क्रीन जो है ये हमारे सामने बाय डिफॉल्ट हमेशा आएगी क्योंकि ये जो चेक बॉक्स महोदय हैं ये यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलवेज शो द वेलकम स्क्रीन एट लॉन्च। यदि आप चाहें तो फिलहाल इसको यहाँ से जो है इसको बंद कर सकते हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप कोरल ड्रॉ को रन करेंगे तो ये जो स्क्रीन है फिर से आपके सामने आएगी। ये तब तक आएगी जब तक ये चेकबॉक्स सिलेक्ट है। हम इसको अनचेक कर देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इसको हम कोरल ड्रॉ को बंद कर देते हैं और कोरल ड्रॉ को दोबारा से रन करते हैं। अब ये देखना कि ये वेलकम स्क्रीन इस बार आती है कि नहीं। देखा
क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया था तो जो स्क्रीन है वो इस बार हमारे सामने नहीं आई। तो खैर हम बात कर रहे थे पहले कि कोरिडोर में जो है क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है, ये भी तो जानना जरूरी था ना। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर कोरल ड्रो X7 64 बिट वर्जन, ये कि सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं, ये विंडोज के आप कोई सा भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई सा भी आप सॉफ्टवेयर अगर आप रन करते हैं तो सबसे ऊपर जिसका टाइटल बार होता है वहां पे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज और ये जो क्रॉस है ये बंद करने का जो सिंबल है वो तो आते हैं। हर सॉफ्टवेयर के लिए ये ऑप्शंस विंडोज अवेलेबल करवाता है। इसके नीचे यहाँ ये है मेन्यू बार, मेन्यू बार जो है ये अपने अंदर काफी चीजें, पूरा मेन्यू जो है समाये हुए है। इसको ओपन करने के लिए मेन्यू को आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे फाइल के मेन्यू ये है, टूल्स का ये, विंडोज का ये, हेल्प का ये। इसके अलावा भी मेन्यू बार जो है एक्सपेंड होगा काफी जब हम डॉक्यूमेंट लेंगे, सिलेक्ट करेंगे नया और उस पर काम करना शुरू करेंगे। नीचे देखिए इसकी ये जो है ये है स्टैंडर्ड टूल बार, हम इसको कहते हैं। इसमें हम चाहें तो काफ़ी चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। इसको अगर हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे तो देखिए ये जो है स्टैंडर्ड बार, प्रॉपर्टी बार, ठीक है, ये स्टैंडर्ड बार ये है प्रॉपर्टी बार। अगर हम इसको चाहें तो इसको यहाँ से गायब भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, पर चूंकि हमको चाहिए तो हम इसको एज इट इज बने रहने देना चाहते हैं, तो हमको इसको एज इट इज रखना है। देखिए लेफ्ट में जो चीजें हैं ये है टूल बार, राइट में जो है ये इसको हम ये तो है वह कलर बार, और ये चलाते हैं डॉकर, सब्जेक्ट मैनेजर, लाइन डिस्ट्रीब्यूट, कलर स्टाइल्स। इसके बारे में जैसे जैसे हम काम करेंगे आपको भी पता लगता जाएगा। तो बहरहाल सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नए डॉक्यूमेंट से। देखिए कोरल ड्रॉ में जब भी हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं तो उसके लिए क्या करना है, देखिए कोरल ड्रॉ में डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए जो है यहाँ पे दो तरीके हैं। कि हाँ, एक जो है तरीका तो है कि माउस की सहायता से हम जो है उस कमांड को रन कर सकते हैं, तो दूसरा जो है हम कीबोर्ड की हेल्प लेके, कीबोर्ड की सहायता से भी उस कमांड को रन करके एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो करना क्या है उसके लिए करना यह है कि मेन्यू बार में जाइए, फाइल पे लेफ्ट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू पे, जैसे है देखिए न्यू मतलब नया डॉक्यूमेंट, और इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल प्लस एन, यानी कि कंट्रोल की को प्रेस करके एन बटन को कीबोर्ड के प्रेस करना है, यानी कि कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करना है तो भी जो है एक नया डॉक्यूमेंट आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ और देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है ये, और ये डायलॉग बॉक्स जो है बता रहा है क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। सबसे ऊपर है नेम, जी हाँ यहाँ पे हम उस डॉक्यूमेंट का जो भी हम क्रिएट करने जा रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं, वो नाम जो कि रिफ्लेक्ट होगा जब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। जी हाँ फाइल नेम में वो नाम जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, हम चाहें तो उसको वहाँ पे भी जो है चेंज कर सकते हैं दोबारा। और यहाँ पे हम देते हैं इसका देखिए नाम वीस्टोक बेसिक, कुछ भी आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर इसके नीचे दिखा रहा है ये प्री सेट डेस्टिनेशन डिफॉल्ट CMY के, इसमें देखिए काफ़ी सारे प्री सेट्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, कस्टम, कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट RGB, वेब, कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट CMY की ये जो है सेम वो दिखा रहा है। यहाँ पे जो ये देखिए ये जी ऑप्शंस हैं, जो प्री सेट्स हैं, ये जो प्री सेट्स हैं ये जैसे डिफॉल्ट RGB, वेब, देखिए जैसे हमने वेब के लिए सिलेक्ट किया तो यहाँ पे जो है ये जो उसका जो साइज है ये देखिए वेब पेज और वेब बैनर, ये सब जो चीजें हैं हमारे सामने आ गई, और ये साइज भी देखिए विड्थ और हाइट जो है ये पिक्सल्स में आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पे करते हैं डिफॉल्ट CMYK या कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट, जी हाँ प्राइमरी कलर मोड CMYK दे रहा है, और यहाँ पे हमको ये देखिए
A3, A4, ये सब कुछ जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो पेपर्स हैं उसके साइजेस दिखा रहा है। और इसके अलावा यदि हम डिफॉल्ट CMYK के करते हैं तो अभी इसमें जो है देखिए यहाँ पे लेटर, टेबलॉइड, गवर्नमेंट लीगल, गवर्नमेंट लेटर, हाफ लेटर, बिजनेस कार्ड। जी हाँ, ये देखिए सारे जो प्रिंटिंग यानी कि जो पेपर प्रिंटिंग से जो रिलेटेड जो प्रीसेट्स के अकॉर्डिंग जो साइजेस हैं वो दिखा रहा है। देखिए ये जो यहाँ पे लिस्ट है, ये सारी सारी जो लिस्ट है इसमें बाय डिफॉल्ट जो है सब कुछ जो बेसिकली जितने भी प्रीसेट्स हैं इसके हिसाब से पूरी लिस्ट यहाँ पे ये जो है साइज में यहाँ पे बनी हुई है। फर्क क्या होता है कि जब हम जो प्रीसेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं वो जो ये लिस्ट है, ये सॉफ्टवेयर कोरल ड्रॉ इस लिस्ट को मैनिपुलेट करके ये जो इस प्रीसेट के अकॉर्डिंगली जो साइजेस है उन साइजेस को यहाँ पे हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि देखिए वेब पे यहाँ पे अपने आप जो आप देख रहे हैं कि वेब पेज के अकॉर्डिंगली जो ये वेब पेज, वेब बैनर, लीडर बोर्ड, एड, मीडियम रेक्टेंगल एड, वो ऑप्शंस पहले ले आया जो कि वेब के अकॉर्डिंगली जो है डिजाइन किए गए हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल करवाए गए हैं। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट CMYK के करता हूँ तो देखिए ये जो प्रिंट से रिलेटेड जो है लेटर, टैबलॉइड वगैरह वगैरह ये सब कुछ जो है यहाँ पे आ गई। नीचे जो है इसके जो है वेब पेज वगैरह जो है ये, क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ये लिस्ट तो है लेकिन लिस्ट जो है ये प्रीसेट डेस्टिनेशन जो है इन जो प्रीसेट्स जो कोरल ड्रॉ ने हमको दिए हैं इसके हिसाब से मैनिपुलेट होती है। तो खैर हमको इन ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ जानना क्या है कि हम अपना डॉक्यूमेंट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए हमको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं। देखिए अगर हम प्रिंट मीडिया के लिए काम कर रहे हैं वो चीज़ जो कि प्रिंट होनी है, जिसका एंड रिजल्ट है वो प्रिंट होना है। हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट का हमको प्रिंट लेना है। वो प्रिंट किस फॉर्म में हो सकता है? वो प्रिंट पेपर फॉर्म में हो सकता है, हम चाहें तो A4, A3, A2 जो भी, और इसके अलावा अन्य अन्य साइजेस है, यहाँ तक कि अगर विजिटिंग कार्ड की अगर हम बात करें, अगर उसकी प्रिंटिंग हमने करनी है तो उसके लिए हमको यहाँ पे CMYK को सिलेक्ट करना होगा और उसके हिसाब से ही हमको यहाँ पे जो है मिलीमीटर्स या इंचेस को चूज करके यहाँ पे साइज डिफाइन करना होगा। और अगर हम इसके अलावा यदि RGB चूज करते हैं, वो क्यों करते हैं आपको बता दूं, यदि हम काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, देखिए हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यदि हम काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आखिर चीजें क्या क्या आती हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है हमारा ये जो कंप्यूटर है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही हिस्सा है। इसके अलावा आजकल जो मोबाइल्स हैं, टैबलेट्स हैं, इंटरनेट, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इसके अलावा टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न के लिए भी यदि हम, जी हाँ, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये तो जो है एक DTP सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रॉ, DTP यानी कि सिर्फ डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कि इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ इस चीज़ तक सीमित करना चाहते हैं, इस चीज़ तक ही सीमित रखना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को उस चीज़ तक बांधे रखना चाहते हैं कि सिर्फ ये DTP वर्क के लिए यूज़ होता है, तो उनको मैं बता दूं कि टेलीविज़न के लिए भी ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है हमको ये जानना है कि जो प्राइमरी कलर मोड जो ये यहाँ पे बात करी हम CMYK या RGB वो क्या है। देखिए RGB जो है वो जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए यूज़ होने वाला जो है कलर मॉडल है। ये जो कलर मॉडल है वो क्या है आखिर, ये भी बताना ज़रूरी है। RGB, जी हाँ, मैं आपको कुछ बता दूँ सर्च करके RGB के बारे में। देखिए इंटरनेट पे भी अगर हम सर्च करते हैं RGB आखिर है क्या, तो RGB के लिए सबसे अच्छा, देखिए विकीपीडिया पे इसकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे सोर्स जो है विकीपीडिया को मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये बता रहा है कि द RGB कलर मॉडल इज एन एडिटिव कलर मॉडल। अब ये एडिटिव कलर मॉडल क्या है, इसमें यह कि इन विच रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट आर एडिट टूगेदर इन वेरियस वे टू रिप्रोड्यूस ए ब्रॉड एरे ऑफ कलर्स। यानी कि अगर रेड, ग्रीन और ब्लू की एक समान मात्रा को अगर हम ऐड करते हैं तो ये जैसे देखिए यहाँ पे ये जो इमेज बनी हुई है ये इन्होंने हमको एक रिजल्ट दे रखा है, इसमें ये देखिए आपकी ये
देखा सी, खैर फोटोशॉप में इमेज क्रिएट की गई है, यदि हम तीन लाइट्स रेड ग्रीन और ब्लू को सेम इसी तरह की जो है क्वांटिटी में जो है हम अगर इसको एक जगह एक वॉल पे अगर हम जो है इस लाइट को अगर डालते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो तीनों लाइट्स हैं मिलके वाइट कलर को प्रोड्यूस कर रही है। हम इसकी खैर ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक देखिए चीज़ आ गई कि टिपिकली दे आज ही भी इनपुट डिवाइसेस आर कलर टीवी एंड वीडियो कैमरास, इमेज स्कैनर्स, वीडियो गेम्स, डिजिटल कैमरास। टिपिकल आज ही भी आउटपुट डिवाइसेस आर टीवी सेट्स ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज, सीआरटी, एलसीडी, प्लाज्मा, ओएलईडी। देखिए जो आज हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो आज हम अपना जो कंप्यूटर मॉनिटर जो है वो देखते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे अगर हम बात करें अपनी मोबाइल स्क्रीन की, टैबलेट्स की, तो ये भी जो है तीन तीन छोटी छोटी जो एलईडी या एलसीडी जो स्क्रीन होती हैं उनसे जो है क्रिएट हुआ हुआ है। अब यहाँ पे सर्च करते हैं हम सीएमवाई के। देखिए सीएमवाई के क्या है यहाँ पे, ये जो दूसरा जो कलर मोड है प्राइमरी कलर मोड आरजीबी, अगर हम यहाँ पे सीएमवाई के करते हैं तो वो क्यों करते हैं और आखिर है क्या सीएमवाई के। देखिए सीएमवाई के का भी यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा तरीके से डिफाइन किया गया कि सीएमवाई के कलर मॉडल प्रोसेस कलर फोर कलर्स। देखिए वो आरजीबी जो कि रेड ग्रीन और ब्लू को मिलकर बना था, यहाँ पे सीएमवाई के जो है वो सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल है। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल क्यों है, ये जो है इस प्रोसेस फोर कलर and is a subtractive color model used in color printing and is also used to describe the printing process itself. CMYK refers to the four inks used in some color printing, cyan, magenta, yellow and key black, though it varies by print house, press operator, press manufacturer and press run. Ink is typically applied in order of the abbreviation. The K in CMYK stands for the key because in four color printing, cyan, magenta and yellow printing plates are carefully keyed or aligned with the key of black key plate. जी हाँ, और ये जो है subtractive color model क्यों है, subtractive color model ये इसलिए है कि क्योंकि यदि cyan, magenta और yellow inks की को proper quantity में अगर equally add किया जाए तो वो बनता है ब्लैक, जबकि आरजीबी में हमने तीन कलर्स को ऐड किया था तो वो बनता था वाइट, इसलिए वो कहलाएगा एडिटिव कलर मॉडल और ये जो है ये कहलाएगा सीएमआई के सब्ट्रैक्टिव कलर मॉडल। तो खैर ये तो हो गई एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन अबाउट आरजीबी एंड सीएमआई के कलर मोड जो कि काफी जरूरी थी। या आप ये तो जान ही गए होंगे कि आखिर जो है प्राइमरी कलर मोड जो यहाँ पे आरजीबी और सीएमआई के हैं वो किस लिए ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से पहले, डॉक्यूमेंट लेने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम काम किसके लिए कर रहे हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है, हमारी जो चीज़ बनेगी उसको हम एंड उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, यानी कि उसको क्या हम प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे या उसको यूज़ करेंगे आरजीबी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। यहाँ एक चीज़ और बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि आज हम कोई चीज़ आरजीबी में क्रिएट करते हैं, आरजीबी प्राइमरी कलर मोड को यूज़ करके क्रिएट करते हैं तो हम उसको प्रिंट के लिए कल को यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होगा, जो कलर्स हम अब लेके चले हैं यानी कि सीएमवाई के प्राइमरी कलर मोड चूज़ करते हैं और कलर्स जो देते हैं और उसको अगर हम बाद में आरजीबी में यूज़ करते हैं तो वो सेम कलर्स नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इसका कलर मॉडल डिफरेंट होगा आरजीबी से और आरजीबी का डिफरेंट होगा सीएमआई के से। तो खैर अब नए डॉक्यूमेंट की शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, अब आते हैं दोबारा से इसकी साइज पे। हम देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए ज़रूरी होती है इसकी विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट किसी भी डॉक्यूमेंट की हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे देनी पड़ेगी। अब विड्थ और हाइट ये देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो इंचेस खैर दिखा रहा है, हम देखिए यहाँ से सबसे ऊपर इस लिस्ट में है इंचेस, फिर मिलीमीटर्स, पीकास, पॉइंट्स, पिक्सल्स वगैरह वगैरह, फीट, यार्ड्स, माइल्स सब कुछ है यहाँ पे। तो हम जो है इसके अकॉर्डिंगली चाहे मिलीमीटर्स हो चाहे इंचेस हो, हमको अपनी विड्थ और हाइट जो है इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे देनी है। ये विड्थ और हाइट हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए विड्थ तो मैं देता हूँ उसको 10 और हाइट देता हूँ 8।
यहाँ पे मैंने इसको 10 दिया है, यहाँ पे इसको दिया मैंने 8, और ये होगी यहाँ पे इसकी मेजरमेंट। और ये देखिए ये होगी इसकी, इसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड। जब भी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है डॉक्यूमेंट की वो हाइट से ज्यादा होगी तो वो कहलाया जाएगा लैंडस्केप मोड। और अगर इसकी जो विड्थ है वो कम होगी और हाइट ज्यादा होगी तो वो कहलाया जाएगा इसका पोर्ट्रेट मोड। देखिए सपोज कीजिए अभी ये लैंडस्केप मोड है, अब मैं इसको यहाँ पे करता हूँ विड्थ को 8 और हाइट को करता हूँ 10। तो देखिए अपने आप ये यहाँ पे ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो रही है, ये पोर्ट्रेट में हो गया। यदि आप दोबारा से इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से प्रेस कर सकते हैं। देखिए अब विड्थ जो है इसकी इंक्रीज हो गई और हाइट इसकी कम हो गई। तो खैर ये पोर्ट्रेट और ये लैंडस्केप मोड ये तो खैर आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो अब खैर मैं इसको जो हूँ लैंडस्केप में रहने देता हूँ कि विड्थ 10 और हाइट 8। अब यहाँ पे प्राइमरी कलर मोड जो कि CMYK दिखा रहा है यहाँ पे, इसको फिलहाल मैं इस टाइम लेता हूँ RGB। आप चाहें तो इसको CMYK भी ले सकते हैं। और नीचे ये देखिए आगे रेंडरिंग की रेजोल्यूशन, ये DPI, देखिए DPI में दिखा रहा है यानी कि डॉट्स पर इंच। यानी कि देखिए हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये भी छोटे छोटे जो है पिक्सल से मिलके बनी है। पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा जो है स्क्रीन की क्लैरिटी या रेजोल्यूशन या क्वालिटी अच्छी होगी। अब जो नॉर्मल हम अगर बात करें तो ये जो लेकिन रेंडरिंग रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन है हमारे डॉक्यूमेंट की, हमारे डॉक्यूमेंट्स में डॉट्स या पिक्सल्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आई थिंक ये जो DPI बात कर रहा है, ये अगर हम प्रिंटिंग की बात करें तो ये DPI होगा, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक की तो वो आई थिंक ये DPI वहाँ पे डॉट्स पर इंच की बजाय पिक्सल पर इंच, यदि अगर ज्यादा कहलाया जाए अच्छा तो ठीक है, पर खैर यहाँ पे DPI बता रहा है तो हम यहाँ पे बता दें कि डॉट्स पर इंच यानी कि जो पिक्सल्स जो होंगे वो पर इंच क्या होंगे, कितने होंगे, जितने ज्यादा यहाँ पे रेंडरिंग रेजोल्यूशन होगी इलेक्ट्रॉनिक यानी कि RGB डॉक्यूमेंट में उतना ही ज्यादा आपका इमेज आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी क्लैरिटी उसकी क्वालिटी होगी। और इसके अलावा यदि बात करूं 300 DPI CMYK में तो वो CMYK यानी कि 300 DPI यानी कि डॉट्स पर इंच उस डॉक्यूमेंट में जो है बनेंगे। और ये रेंडरिंग रेजोल्यूशन जब हम उसका प्रिंट लेंगे, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेंगे, वो चाहे किसी भी फॉर्मेट में हम लेना चाहें, किसी भी मीडिया पे लेना चाहें, वो एटलीस्ट वो रहेंगे जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। हम चाहें तो इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल 300 आई थिंक सूटेबल है हमारे लिए। तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा हमारी इमेज की जो है क्वालिटी भी। देखिए नीचे इसके है प्रीव्यू कलर मोड, ये है सिंपल वायरफ्रेम ड्राफ्ट नॉर्मल इनहांस्ड। देखिए सबसे अच्छा होता है इनहांस्ड, तो हम यहाँ पे इनहांस ही रहने देंगे क्योंकि हमको जो अपना जो प्रीव्यू मोड है यानी कि इस डॉक्यूमेंट में जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं वो हमको किस रूप में दिखाई देगा, हम चाहते हैं कि हमको अच्छे रूप में दिखाई दे, तो इसलिए हमको यहाँ पे इनहांस ही चूज करना है, इनहांस्ड कलर मोड प्रीव्यू मोड जो है। तो प्रीव्यू मोड को हमेशा यहाँ पे इनहांस ही हमने चूज करना, तो इनहांस ही रहने रहते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे है ये कलर सेटिंग्स, कलर सेटिंग्स में इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए यहाँ पे RGB प्रोफाइल में sRGB ये जो है IEC समथिंग 2.1 दिखा रहा है, ये जो है डिफॉल्ट, ये यानी कि देखिए मॉनिटर की प्रोफाइल भी बात करूँ तो ये जो हमारा जो हार्डवेयर है, हमारे जो ये लगा लीजिए कि कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसके हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली जो मॉनिटर की जो प्रोफाइल है वो ये यहाँ पे दिखा रहा है, और हमको भी जो है इसको यही डिफॉल्ट ही रहने देना है। तो खैर इसके अलावा देखिए नीचे CMYK के प्रोफाइल है तो इसको भी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वही रहने देते हैं। और किसी और दूसरी चीज में ज्यादा ना जाते हुए हम जस्ट क्या करते हैं इसको ओके। लेकिन ओके करने से पहले एक यहाँ पे चीज देखिए ये दिखा रहा है डू नॉट शो दिस डायलॉग बॉक्स अगेन। अगर आप चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो तो आपको इसको अनचेक ही रहने देना है।
अगर आप चाहते हैं कि ये जो डायलॉग बॉक्स है आपके सामने ना आए, तो इसको आपको क्या करना है, चेक करना है और ओके कर देना है। देखिए फिर आ गया नया डॉक्यूमेंट। ये कभी कभार ये भी होता है कि गलती से जो होता है कुछ ऑप्शंस प्रेस हो जाते हैं, हम लेकिन चाहते हैं कि ये डायलॉग बॉक्स फिर से हमारे पास आए जब भी हम नए डॉक्यूमेंट के लिए क्लिक करें। पर अब ये कैसे लाया जाए आखिर? देखिए उसके लिए करना क्या है, हमको जाना है टूल्स पे। ये देखिए ये ऑप्शंस आ गई और शॉर्टकट है इसका Ctrl+J। जैसे आप ऑप्शंस में जाएंगे आपके पास एक ये देखिए नया जो है डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये जो नई एक विंडो आ जाएगी, इसमें आप ये वर्कस्पेस पे जाइए, इस प्लस को एक्सप्लोर कीजिए और जाना है जनरल पे। देखिए यहाँ पर अब आपको देखिए दिख रहा है ना, देखिए गेटिंग स्टार्टेड ऑन कोरल ड्रॉ X7 स्टार्टअप। देखिए जनरल पे आपको सबसे ऊपर यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे दिखा रहा है ऑन कोरल ड्रॉ X7 स्टार्टअप, यानी कि कोरल ड्रो 17 वर्जन के स्टार्टअप पे यहाँ पे है नथिंग। आप चाहे तो यहाँ पे स्टार्ट इन न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एंड एग्जिस्टिंग, ये सब कुछ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड टेम्पलेट वेलकम स्क्रीन जो कि अभी हमने आपको बताया था कि इसको भी कैसे जो है ऑफ ऑन किया, ऑफ और ऑन किया जा सकता है। आप चाहें तो उसको ला सकते हैं हमेशा और चाहें तो नहीं भी ला सकते, वो भी यहाँ पे आप यहाँ पे चाहें तो सिलेक्ट करेंगे तो हर बार जब आप कोरल ड्रो को ओपन करेंगे तो ये वेलकम स्क्रीन यहाँ पे अपीयर होगी। ठीक है, अब शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, ये क्या है? जी हाँ, ये वही चीज है जब हम शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स, यानी कि ये देखिए ये तो दिखा रहा है कि स्टार्टअप पे क्या करना है, शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स जिसको हमने वहां पे ऑफ किया था, यहां से हम इसको ऑन कर सकते हैं। यानी कि जब हम इसको ऑन करेंगे और ओके करेंगे तो और यहां पे हम करेंगे इसको चेक, तो देखिए ये डायलॉग बॉक्स फिर से आ गया। आप यहां से इसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ये गलती से आपको यहां से हो गया ऑन और इसके अलावा, तो इसको आप यहां से भी ठीक कर सकते हैं। देखिए है ना कितना सिंपल। देखिए 10x8 रेजोल्यूशन का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूलर है, इसलिए आपको जो है ये भी दिख रहा है कि ये 10 दिखा रहा है और ये यहाँ से 0 to 8 और ये इंचेस में दिखा रहा है। देखिए लेफ्ट साइड पे ये मेन्यू बार है। अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा था कि नया डॉक्यूमेंट लेंगे तो जो इसका मेन्यू बार है वो एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए फाइल, एडिट, व्यू, लेआउट, क्या क्या ऑप्शंस जो है इसमें नहीं आ रहे, ये जो सारे ऑप्शंस हैं जो कोरल ड्रॉ में जैसे जैसे हम चीज़ें बनाएंगे वो इन मेन्यूज में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो सभी जो है हमें हमारे काम को अंजाम देने के लिए हमारी हेल्प करेंगी, हमारी मदद करेंगी। देखिए नीचे यहाँ पे स्टैंडर्ड टूल बार, स्टैंडर्ड बार, नीचे ये प्रॉपर्टी बार है। प्रॉपर्टी बार बेसिकली क्या होता है, प्रॉपर्टी बार बताता है, दिखाता है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी। देखिए हमने ये डॉक्यूमेंट लिया, डॉक्यूमेंट का जो साइज है 10, जो उसकी हमने चौड़ाई रखी, हाइट उसकी रखी 8 और यहाँ पे उसने ये दिखा रहा है और यहाँ पे ये यूनिट दिखा रहा है इंचेस, क्योंकि हमने इंचेस ही सिलेक्ट किया था। अगर आप इसको मिलीमीटर्स में मेजर करना चाहते हैं तो मिलीमीटर्स करेंगे तो ये देखिए ये मिलीमीटर्स में यहाँ पे आ गया और ये जो रूलर है ये भी मिलीमीटर में चला गया, यानी कि यहाँ पे भी ये मिलीमीटर में हो गया। तो खैर यहाँ पे हम इंचेस ही सिलेक्ट रहने देंगे। तो बात कर रहे थे कि कोरल ड्रॉ में चीज़ें जो है क्या क्या है और कहाँ कहाँ है। ये जो है तिरछे से ट्रेंगुलर शेप्स बनी हुई, ये क्या है? देखिए ये दर्शाती हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, इसी हिसाब से दूसरा है ये शेप टूल, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर देखिए आगे ना कई सारे ऑप्शंस, क्रॉप पे जाएंगे तो ये आ गए, जूम पे जाएंगे तो इस तरीके से जैसे जैसे हम इस पर जाएंगे ऑप्शन जो है अपने आप एक्सप्लोर होते जाएंगे कि इस मेन्यू के अंदर भी जो है काफी कुछ चीजें, सॉरी इस टूल बार के मेन्यू के अंदर भी काफी कुछ चीजें जो है वो छिपी हैं और ये सभी चीजें जो है हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम यूज करते चले जाएंगे। तो खैर ये तो हुआ
टूल बार का काम, टूल बार का इंट्रोडक्शन। राइट साइड पे आखिर क्या है, देखिए राइट साइड पे क्या है, वो है यहाँ पे डॉकर्स, ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर देखिए ये अलाइन डिस्ट्रीब्यूट कलर स्टाइल्स, खैर ऑब्जेक्ट मैनेजर पे है। ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या है, ऑब्जेक्ट मैनेजर आखिर दिखा क्या रहा है? ऑब्जेक्ट मैनेजर हमको दिखाता है कि उस डॉक्यूमेंट में आखिर क्या क्या चीजें कंटेन्ड है, क्या क्या चीजें कंटेन करते हैं। देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं तो उसमें मिनिमम वन पेज तो होगा, जैसे कि हमने जब हम डॉक्यूमेंट लिया था यहाँ से तो ये इसने पूछा भी था नंबर ऑफ पेजेस, तो हमने यहाँ पे इसको वन ही रहने दिया था। तो इस डॉक्यूमेंट में वन पेज है, लेयर वन। बाय डिफॉल्ट कोरेलडॉ के किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कुछ भी करेंगे तो वो एटलीस्ट वन पेज कंटेन करेगा और हर पेज पे एक लेयर होगी। हम चाहें तो लेयर्स को घटा या बढ़ा भी सकते हैं लेकिन मिनिमम वन लेयर तो होगी जिस पे हम काम करेंगे। देखिए अभी हम जो भी काम करेंगे वो पेज वन पे और लेयर वन पे होगा। इसके अलावा नीचे बता रहे हैं मास्टर पेज गाइड ऑल पेजेस डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट क्रिएट, इसको फिलहाल हम अभी रहने देते हैं। अब ये राइट साइड पे बिल्कुल क्या है, देखिए ये है डिफॉल्ट पैलेट जिसको हम कलर पैलेट कहते हैं। यहाँ पे हमको जो कलर नजर आ रहे हैं हम चाहें तो इसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि इसकी जो रोज है वो मैक्सिमम हम 3 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। हमको ऐसा करने पर कलर के जो ऑप्शंस हैं वो ज्यादा मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये वन भी कर सकते हैं, इसको हम टू भी कर सकते हैं, तो फिलहाल हम इसको वन ही रहने देते हैं। और इसके अलावा आपको बताएं नीचे क्या है, देखिए नीचे है स्टेटस बार। स्टेटस बार में किसी भी चीज का जो स्टेटस है वो दिखाता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं ये देखिए रेक्टेंगल टूल को यहां से लेता हूं, यहां से सिलेक्ट करता हूं और यहां पे मैंने इसको ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए रेक्टेंगल टूल से मैंने इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए मैंने यहां से इसको रेक्टेंगल टूल लिया और यहां पे मैं इसको ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, क्लिक करना है लेफ्ट बटन, यानी कि माउस का लेफ्ट बटन को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको प्रेस रखा है, यहाँ रिलीज नहीं किया है, और ऊपर से नीचे यानी कि लेफ्ट लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक मैंने इसको ला रहा हूँ। जैसे भी चाहूँ जिस शेप में भी चाहूँ मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं, और जब आपको लगे कि आपके हिसाब की आकृति शेप बन गई है तो आप अपने माउस का लेफ्ट बटन छोड़ दीजिए यानी कि रिलीज कर दीजिए। देखिए पिक टूल पे मैं गया, इसको सिलेक्ट किया, अब देखिए ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है रेक्टेंगल ऑन लेयर वन। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और देखिए सिलेक्ट करने का क्या है, पिक टूल्स पे जाना है, क्लिक करना है सिलेक्ट। ये जो देखिए जो ये ब्लैक कलर के जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं एक तरह से बाउंडेड बॉक्सेस जो है वो क्या दर्शाते हैं कि ये जो चीज है वो सिलेक्ट है। और देखिए ये अब सिलेक्ट है तो यहाँ पे दिखा रहा है रेक्टेंगल ऑन लेयर वन, यानी कि लेयर वन पे ये रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ये दिखा रहा है ये देखिए ये है इसका फिल ऑप्शन बकेट, बकेट में दिखा रहा है नन, और ये जो है ये दिखा रहा है आरजीबी में इसका यानी कि आउटलाइन, जो ये पेन टूल का जो सिंबल है वो दिखाता है यहाँ पे आउटलाइन। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, देखिए मैंने जस्ट चेंज किया, चेंज कैसे किया, जस्ट इस कलर पे किया राइट क्लिक, और राइट क्लिक का मतलब होता है राइट क्लिक से आप ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उस पे उसके कलर को फिल करते हैं। और इसमें अगर आपको कलर फिल करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको ये जो देखिए ब्लू कलर अभी मैंने राइट क्लिक किया था माउस का, आपको लेफ्ट क्लिक करना है। कि हाँ देखिए कितना आसान, लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट में कलर फिल हो गया, और जैसे ही कलर फिल हुआ यहाँ पे देखिए बकेट में जो है इसका स्टेटस आ गया रेड ग्रीन और ब्लू जो वैल्यूज है, इसके अलावा हेक्साडेसिमल जो वैल्यू है वो भी साथ में दिखा रहा है, आरजीबी में ये हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ ब्लैक दिखा रहा है।
देखिए अब मैंने जो है इसका पर्पल कलर जो है यहाँ पे कर दिया, पर्पल कलर की यहाँ पे रेड ग्रीन और ब्लू आरजीबी वैल्यूज और साथ में हेक्साडेसिमल वैल्यूज में यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको अनसिलेक्ट करता हूँ कुछ भी यहाँ पे स्टेटस बार पे नहीं है, और जैसे सिलेक्ट करता हूँ रेक्टेंगल ऑन लेयर वन यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। और देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर में जो भी आप चीजें करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो भी चीज़ें आप सिलेक्ट, जो भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी चीज़ें आप वो बनाते हैं, वो सभी जो है यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। देखिए लेयर वन पे सबसे पहले जो रेक्टेंगल जो बना यहाँ पे फील्ड भी दिखा रहा है आपको ये ब्लू कलर का, और इसके अलावा दो जो है मैंने और बनाए, एलिप्स बनाया, रेक्टेंगल बनाया, वो भी आपको यहाँ पे दिखाया, तो वो भी आपको यहाँ पे लेयर वन पे दिखा रहा है। देखिए डॉक्यूमेंट के पेज वन पे लेयर वन पे ये सारी चीजें जो है पड़ी हैं, और जब ये हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से इसकी जो स्टेटस है वो यहाँ पे दिखाता है, जैसे कि ब्लू कलर फील्ड और पर्पल कलर की आउटलाइन जो मैंने इसको दी वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब अनफील्ड है ये, तो यहाँ पे इसलिए नन दिखा रहा है इसका स्टेटस, और आउटलाइन जो है इसकी ब्लैक दिखा रहा है। इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे एलिप्स ऑन लेयर वन, एलिप्स ऑन लेयर वन इसका नाम भी जो है वो दिखा रहा है, इसके अलावा रेक्टेंगल ऑन लेयर वन ये भी इसका दिखा रहा है, उसका अनफील्ड स्टेटस और ब्लैक कलर की आउटलाइन ये भी यहाँ पे आपको शो कर रहा है कोरल ड्रॉ में। तो खैर ये तो हो गया, लेकिन एक चीज ये कि आखिर ये जो डॉक्यूमेंट जो बना है इसको ये कहते क्या है। देखिए जो एरिया जो बीच का जो ये एरिया है वो है क्या, ठीक है। वैसे तो हम कोरल ड्रॉ में कोई सी चीज जो है वो कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पर भी कर लीजिए, यहाँ पे भी कर लीजिए, तो वो रहेगा तो लेयर वन पे ही, पर हमें ये देखना है कि ये जो 10x8 रेजोल्यूशन का जो हमारे डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज अगर जो उसके अंदर जो है, इसके अंदर जो हम बनाएंगे वही डॉक्यूमेंट के अंदर आएगी, चाहे हम इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम इसकी इमेज एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे हम प्रिंट के लिए एक डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में हो, चाहे बेसिकली कोरल ड्रॉ के सीडीआर फॉर्मेट में, चाहे इमेज फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, किसी भी फॉर्मेट में हो, तो जो भी आपका फाइनली जो कि फाइनली आपका डॉक्यूमेंट होगा, चाहे वो प्रिंट के लिए हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली यूज के लिए हो, वो आपका इसी जो मेजरमेंट्स है जो भी आपने ली है डॉक्यूमेंट्स की उसके अंदर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक बात मैंने बताना ही भूल गया, वो तो ये कि जो रूलर है वो ये कहाँ से आया। देखिए ये कई चीजें इसमें, क्योंकि मैंने तो इसको पहले ही जो है इसको रूलर को एक्टिव करा हुआ था तो इसलिए ये आ गया, अदरवाइज आपको अगर इसको डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, व्यू से भी, यहाँ व्यू में आप पाएंगे रूलर, तो रूलर करते ही आपको रूलर जो है आपको टॉप पे और ये राइट पे, यानी कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपको मेजरमेंट के लिए यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें आप जो नहीं चाहते वो भी आपके सामने आ जाती हैं, और जो चाहते हैं वो नहीं आती। और इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जैसे ऑब्जेक्ट मैनेजर यहाँ पे ये है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज ये देखिए यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं ये ना आए तो आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो, लेकिन ये तो पूरा का पूरे ही डॉकर्स बंद हो गए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये डॉकर्स आखिर पाए कहाँ जाते हैं। देखिए ये कहाँ पे है, ये है विंडोज में, विंडोज में डॉकर्स, ये देखिए ऑब्जेक्ट मैनेजर, सिंबल मैनेजर, अलाइनमेंट, डायनेमिक गाइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी सारी जो है डॉकर्स यहाँ पे हैं। ये राइट साइड में की जो है विंडोज हैं, जो कि एक तरह से ऐसी ऑप्शंस देते हैं ये कि उस टूल को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूज कर सकें। तो फिलहाल देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर आ जाता है। और इसके अलावा यदि आपको फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे डॉकर्स में चाहिए ट्रांसफॉर्मेशंस और इसमें चाहिए रोटेशन, तो देखिए ये आ गया आपके सामने। तो ये तो ही एक इस सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी झलक, और आगे के ट्यूटोरियल्स में भी हम और काफी कुछ कवर करेंगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। आप भी हमारे साथ बढ़ते जाइए, क्योंकि
सिर्फ हमारा बढ़ना ही, मेरा बढ़ना ही लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य ये है कि मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब आप सफल होंगे। जब आपको समझ आएगा तो मैं अपने जो ये मैंने जो संकल्प लिया है, जो मैंने ये शुरुआत की है, इसको मैं सिद्ध मानूंगा। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लग रहा है? इसके अलावा दूसरे जो ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको कैसे लगे, पसंद आए कि नहीं आए, इसके बारे में भी ज़रूर 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 अपने कमेंट, अपने विचार शेयर कीजिए। तो यदि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो भाई साहब और बहनों, बनता है ना एक सब्सक्राइब तो बनता है ना भाई। तो इसके साथ ही मैं आपका होस्ट और दोस्त नवीन मलिक कहता हूँ आपसे अलविदा, लेकिन इस वायदे के साथ कि मिलेंगे फिर दोबारा सिर्फ वी स्टॉक पर, आपका अपना क्रिएटिविटी बूस्टर।